हाय, मैं हूँ जसमीन पटेल, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बिजनेसमैन एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, उनको फ्लाइट पकड़नी थी। बहुत ही टेंशन में थे, बहुत ही स्ट्रेस था उनके दिमाग में। ड्राइवर को बोला कि जल्दी से मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दे। ड्राइवर उनको लेके निकला, बहुत तेज़ गाड़ी चला के वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। लेकिन जैसे वो गाड़ी पार्क करने जा रहा था ड्राइवर, तो सामने से एक तेज़ गाड़ी आई और हल्की सी बच गई थी, एक इंच का डिस्टेंस रह गया था गाड़ी को टकराने में। तो बिजनेसमैन जो पीछे बैठे थे, उनको बहुत ही गुस्सा आया कि ये बंदा कैसे गाड़ी चला रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगा कि ये ड्राइवर अभी उतर के उसको डांटेगा, लेकिन उनके ड्राइवर ने तो ऐसे मुंडी बाहर निकाल के स्माइल करके सिर्फ हाथ वेव कर दिया। बिजनेसमैन ने पूछा कि यार ये तुमने क्या किया, अगर एक इंच का इधर उधर होता ना तो ये गाड़ी की बैंड बज जाती, ऊपर से हम दोनों अभी हॉस्पिटल में होते। ड्राइवर ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनना। ड्राइवर ने कहा कि सर वो क्या है कि आज के ज़माने में हर कोई बहुत सारे टेंशन, स्ट्रेस, लोगों के साथ झगड़ा होता है, वो सारी बातें, उलझने, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लेके घूमते हैं। आजकल हर कोई एक गार्बेज ट्रक की तरह है सर। तो ये मेरा अपना रूल है, द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। बिजनेसमैन को थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, उसने पूछा कि मुझे भी बताओ क्या है ऐसा रूल तुम्हारा। उसने कहा कि सर आजकल चारों तरफ लोग घूम रहे हैं एक गार्बेज ट्रक की तरह। पूरा जब भर जाता है ना ये ट्रक सर, तो कहीं पर भी ये लोग खाली कर देते हैं। तो मैं बस इतना ध्यान रखता हूँ कि भाई तुझे जहाँ खाली करना है कर, बस मेरे ऊपर खाली मत कर देना। तो बात यह है कि मुझे ऐसा जब लगता है कि मेरे ऊपर ये सामने वाला बंदा अपना जो ट्रक है वो गार्बेज मेरे पे खाली करने वाला है, तो मैं एक स्माइल दे देता हूँ और हाथ वेव कर देता हूँ, बात खत्म हो जाती है। अगर मैं उसका गार्बेज ले लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा, तो वो मेरी दुनिया में भी फैलेगा। मैं अपने घर पर लेके जाऊँगा, उनको भी तकलीफ होगी, मेरे काम को भी तकलीफ होगी, मेरे दिमाग में भी तकलीफ होगी, मेरी दुनिया इधर उधर हो जाएगी सर। तो एक सेकंड की बात होती है, मुझे सिर्फ एक स्माइल करनी है और हाथ वेव करना है, और इतना करने में मेरा कोई नुकसान नहीं जाता है। ड्राइवर ने कहा कि सर जिंदगी बहुत ही छोटी है, मैं आज ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ फालतू का कि कल सुबह उठ के मुझे उसके ऊपर पछताना पड़े। लाइफ इज ओनली 10% हाउ यू मेक ऑफ इट, इट्स 90% हाउ यू टेक इट। कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन किसी का भी दिमाग हमेशा के लिए बदल सकती है, किसी का स्ट्रेस हमेशा के लिए दूर कर सकती है। ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट डालेगी, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। अगेन, इट्स 90% हाउ यू टेक इट। ओके, तो आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखा के जाए, आपका माइंडसेट चेंज कर दे, आपकी दुनिया चेंज कर दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नई माइंड चेंजिंग वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।